हेलो गाइस वेलकम टू द चैनल इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 26 सितंबर फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू को ज्वाइन कर सकते हो जहां आपको डेली करंट अफेयर वीडियोस के पीडीएफ मिल जाएंगे तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली लाप लेडीज़ ये मूवी है सिलेक्टेड फॉर द ऑफिशियल एंट्री फॉर 97th सेवंथ ऑस्कर अवार्ड टू ऑफिशियल एंट्री मिली है फॉर द ऑस्कर सो आपको बताने कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी किरण राव ओके ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर एंड इस मूवी का नाम आप याद रखें लापता लेडीज डायरेक्टर का नाम आपको याद रखना है किरण राव ओके सो इसको बेसिकली ऑफिशियल एंट्री मिली है लापता लेडीज़ इसको इसके जो प्रोड्यूसर हैं आमिर खान एंड इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं किरण राव तो इसे दिस मूवी हैज़ बी नेम्ड इन द बेस्ट फॉरन फिल्म कैटेगरी फॉर द ऑस्कर टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव मिलेगा नहीं मिलेगा डेट इज़ नो वो तो देखने वाली बात है बट नाम आपको याद रखें लापता लेडीज़ जिसकी डायरेक्टर है किरण राव जिसके प्रोड्यूसर है आमिर खान तो इतना सा आपको याद रखें जिससे इंडिया इज़ ऑफिशियल एट्री फॉर द ऑस्कर टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव सेकेंड क्वेश्चन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इसे कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर वट इज़ दिस बेसिकली क्या होता है कि जो भी लोग विद हेल्प ऑफ साइंस बेसिकली यू नो जो लोग बोल नहीं सकते वो अपनी साइंस की हेल्प से साइंस से एक दूसरे को अपनी यू नो वे ऑफ कम्युनिकेशन उनका साइंस होता है सो यू नो टू अवेयर पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइन लैंगवेज फॉर द डीफ पीपल्स तो ये आप याद रखें ट्वेंटी थर्ड सप्टेम्बर तेईस सितम्बर को हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है एंड इसका थीम रखा गया है साइन अप फॉर ए साइन लैंगवेज राइट्स आगे बढ़ते हैं वेयर एंड वेयर डेड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस the 79th सेशन ऑफ़ यूनाइटेड नेशन जनरल assembly 79th session सेशन ऑफ nation नेशन जनरल असम्बली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली एड्रेस किया है तो ये आपको बताने की कहाँ पे सो दिस हेज़ बीन डन बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 23rd थर्ड इन न्यूयॉर्क यू नो ये अभी रिसेंटली जो सेशन हुआ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वेंटी थर्ड को न्यू में बेसिकली में एड्रेस किया ये आपको याद रखना है एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ आप बताइए मैंने आपको रिसेंटली डेज में बताया था हु हुज द प्रेजिडेंट ऑफ सेवेंटी नाइन जनरल असेंबली कैमेरॉन से वो बिलोंग करते हैं आप सर्च करके या चेक करके खुद चेक कीजिए यानी इंपॉर्टेंट है या फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए हु हैज़ वॉन दिलीप ट्रॉफी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो ये इंडिया ए ने जीत ली है स्टेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है कि दिलीप ट्रॉफी किसके रिलेटेड है इट्स और रिलेटेड टू क्रिकेट रिसेंटली हु अटेंडेड द क्वाड लेटर सबमिट इन विलियमटन दिलवेयर तो ये अभी रिसेंटली कहाँ किसने सबमिट ये अभी आपको मैंने बताया था इंडिया 2025 में क्वाड यू नो इसमें होस्ट uh, करेगा एंड दिस ईयर दिस हैज़ बिन होस्टेड बाय यूएसए तो अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे अभी इसमें यू नो अटेंड किया अब अगेन एक और क्वेश्चन अभी रिसेंटली दो चार बार आपको मैं बताया था बताइए मुझे क्वाड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं क्वाड मेंबर्स कौन कौन से हैं ये आप मुझे अभी रिसेंटली बताइए अभी आप कमेंट करके मुझे बताएं क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने तीन चार बारी आपको ये रिवाइज करवाया ओके okay, आगे बढ़ते हैं विच सिटी विल होस्ट ट्वेंटी फिफ्थ एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स फ्रॉम मार्च सेवन टू नाइन मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव कौन सा सिटी से होस्ट करेगा पच्चीसवा ये इंटरनेशनल फेस्टिवल फिल्म ये करेगा जी जयपुर ओके okay, राजस्थान की कैपिटल जयपुर नाउ अगेन देखो मैं इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को रिवाइज करें अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि ट्वेंटी फोर्थ एडिशन अभी रिसेंटली सितम्बर मंथ में ही हो रहा है तो ये आपको बताना है कि ट्वेंटी फोर्थ एडिशन कौन सा होस्ट कर रहा है फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर कमेंट करके बताइए क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने कल परसों ही आपको बताया इससे आपका रिविज़न होता रहेगा द फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स इसे लॉन्च किया गया किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये आपको बताना फर्स्ट सवे ट्राई सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स हैज बी लॉन्च बाय विच कंट्री द कंट्री इज़ इंडिया एंड व्हाट इज दिस इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है जो हमारे ऑफिसर्स हैं बेसिकली जो भी हमारे डिफेंस ऑफिसर्स हैं उनको विद न्यू मॉडर्न वॉरफेयर एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाया जाए जिसमें ये सारी चीज़ें बेसिकली इसमें इसके अंडर कराइजिंग फ्यूचर वॉरफेयर इसका जो नाम है ट्राई सर्विसेज जिसमें हमारी हमारे इंडियन एयर फोर्स आ गई इंडियन आर्मी आ गई एंड इंडियन नेवी आ गई एंड दिस हैज बीन डन अंडर द चेयरमैनशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर चीफ ऑफ यू सी डी एस हमारे जो हैं जनरल अनिल चौहान ये आपको याद रहा है फ्यूचर वॉरफेयर जो इंडिया द्वारा स्टार्ट किया गया रिसेंटली द कैंसर मून शूट इन्शियेटिव कैंसर मून शूट इनशियेटिव इसे लॉन्च किया गया बाय विच ग्रुप टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कैंसर इन द इंडो पैसिफिक रीजन्स तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया रिसेंटली यू नो क्वाड सबमिट चल रहा है सो दिस बी लॉन्च बाय द क्वाड कंट्रीज क्वाड फोर कंट्रीज़ सो दिस कैंसर मून शूट इनशि बेसिकली जो कैंसर के जो नो रिसर्च है बेसिकली इंप्रूविंग डेटा सिस्टम बूस्टिंग द स्पोर्ट फॉर द कैंसर प्रिवेंशन डिटेक्शन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि कैंसर से हम और बेटर से फाइट कर पाए ओके इंडो पैसिफिक रीजन के लिए लॉन्च किया गया एंड इंडिया इसमें सेवन पॉइंट फाइव मिलियन कंट्रीब्यूट भी करने वाला है इसमें कॉड कंट्रीज़ यू एस ए इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान इसमें इन्होंने इसको लॉन्च किया है रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस एट इट विल ओपन टू न्यू कंसोलेट्स इन द यू एस वन इन बोस्टन एंड वन इज लॉस एंजल्स एंजल्स तो ये ओपन करेगा कौन सा कंट्री ये करेगा जी अगेन दिस हैज हैजिन दिस विल बी डन बाय इंडिया एंड व्हाट इज़ दिस इसका ऑब्जेक्टिव क्या है रही इसका जो जो ये न्यू कंसोलेट्स रहेंगे जो इंडिया ओपन करेगा बेसिकली इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द सिटीजनज एकोमोडेट द सिटीज़ ग्रोइंग इंडियन अमेरिकन पॉपुलेशन तो इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है इंडियन ग्रोइंग पॉपुलेशन को एकोमिडेट करना जो कंसोलिटेट्स खोलेगा इंडिया ही खोलेगा कहाँ पे एक खोलेगा बॉस्टन एंड लॉस एंजल्स में ये रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया इंडिया द्वारा रिसेंटली हु हैज़ रिसिव द यू एन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड फॉर द सक्सेस इन द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल फॉर द यू नो बेटरमेंट ऑफ यू नो कंट्रोल कर पाना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इसके लिए इसको यू एस इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड दिया गया हमारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है यह है जी हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आई सी एम आर इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ये आप याद रखें इंपॉर्टेंट है ये बेसिक फर्दर डिटेल्स मैंने ऐड किया है रिसेंटली वी स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड ए बिल टू मेक द प्रोटेस्टर्स पे फॉर द डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी प्रोटेस्टर्स कोई नो डैमेज करते हैं तो ये बिल अनाउंस किया गया बेसिकली अप्रूव किया गया कि प्रोटेस्टर जो भी यू नो डैमेज करेंगे तो उनको वो पे करना है दिस हैज़ बिन डन बाय उत्तराखंड रिसेंटली सो ये होगी जी आज की करंट फिर ना एक क्वेश्चन आपने बताना कमेंट करके इन विच स्टेट द वर्ल्ड टॉलेस्ट बैम्बू टावर हैज़ बिन नॉगरेटेड अभी रिसेंटली इसे इनागरेट किया गया कौन से राज्य में ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सो गाइज विदेश हमारे आज के करंट अफेयर्स का तो मैं उम्मीद करूँगा चीज़ें आप समझ रहे हैं चीज़ें आप सिस्टमेटिकली डेली वॉच कर रहे हैं चीज़ें आपको समझ आ रही हैं एंड वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करा करें चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी बनाए रखें थैंक यू गैज टेक केयर सी यू सो